सो गाइस हाय वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो। गाइस अभी सुबह के बज रहे 10:30 और मैं अभी गया था, सामान आए हैं मेरे, तो जा आपके सामने अनबॉक्सिंग करूं क्योंकि बहुत दूर से आया है एंड बहुत स्पेशल चीज है। अरे पावर लिफ्टर टू बाय द गियर्स, मेरा भी है और सिंघा का भी है। मैं आपको बता दूंगा मेरा क्या है, सिंघा का क्या है। मैं अपने, मुझे लगा है कि लास्ट 8 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंजर लूंगा। भाई मैंने इंडिया में बहुत ट्राई किया बट इंडिया में मुझे मिला नहीं, और इंडिया में शायद मुझे 15,000 का मिल रहा था, ये मुझे 12,500 का पड़ा है। मैंने बाहर से मंगवाया है, यूएस से मंगाया है, आउट ऑफ कंट्री से ही आप मंगा सको। तो ये इंजर का है एंड ये मैंने एक डेडलिफ्ट का शूज मंगाया है, ठीक है। ये नोटोरियस लिफ्ट का शूज है, बहुत प्यारा सा है। ओ भाई क्या क्वालिटी है। बट अभी इसमें एक सीन है, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो गाइस इसका साइज ना 42 या 44, और मैंने बोला रितेश अगर ये मेरा हो जाएगा तो मैं रखूंगा, अगर ये मेरा टाइट होगा तो रितेश का हो जाएगा। तो अभी मैं पहना नहीं हूँ बट मैं पहले बता देता हूँ, देखो किसका नसीब में होता है, मेरा कि रितेश। ये शूज हो गया, ये शूज भी मुझे ऑर्डर करना था, ये बहुत बढ़िया शूज है, अभी रिसेंटली आया मार्केट में। कंपनी का नाम है एवेंगस, ये नाम याद है, बट ये है सिंगार शूज। तो ये बहुत सारे एलीट लिफ्टर अभी यूज कर रहे हैं, देखो क्या ही मस्त है भाई, पूरा लाइट है, मुझे लग ही नहीं रहा मैं कुछ शूज पकड़ा हूं। और इसमें लोग कॉट बेंच डेडलिफ्ट तीनों कर रहे हैं, अगर आप जमाल को देखते होगे या काल को देखते होगे, उसने अभी जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो भी यही शूज यूज करता है, व्हाइट कलर का। बट सिंगा ने अच्छा काम किया क्योंकि उसने ब्लैक मंगाया है, भाई बहुत गंदा होगा, वो भी अकेले रहता है तो बहुत गंदा होगा। एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लाइफ का अभी तक का नी स्लीव में सबसे बढ़िया नी स्लीव होल पूरा वर्ल्ड में माना जाता है, वो है इंजर का। तो इसको अभी मैं पहन के आपको नहीं दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है, बस वो इतना पेन बियर करूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत टाइट होने वाला है। एंड 210 का डबल्स लेना है मुझे ये वीक में, मतलब ये वीडियो में। अब ये 210 का जब मैं डबल्स लूंगा तो आपको इसी नी स्लीव में मिलूंगा और फिर दिखाऊंगा। सो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइस आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे लाइफ का क्योंकि आज मैं 210 केजी स्क्वाट ट्राई करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको ट्रेनिंग करने से पहले दिखाने वाला हूँ मैं प्री वर्कआउट कैसे बनाता हूँ। लोग पूछते भाई तुम क्या पीते हो क्या नहीं, जब मेरा हेवी सेशन रहता है मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि बॉडी में आपको क्रैम्प नहीं आए, ज्यादा एनर्जी मिले। एंड मैं कुछ ज्यादा खाया नहीं हुआ क्योंकि मैं आज 200 ग्राम चावल खाया हूँ, 70 ग्राम ओट्स खाया हूँ, बस इतना ही काब्स है मेरा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वर्क करते समय मेरा पेट पूरा भरा भरा दिखे, ठीक है। तो एंड एवरी टाइम आप कोशिश करो ट्रेनिंग के पहले बॉडी वेट मेजर कर लेने का, तो दैट आपको पता चले कि भाई आपका बॉडी वेट इतना में कितना नंबर पुश हो रहा है, और आप बॉडी वेट बढ़ता है तो ऑफकोर्स आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, ये एक मैंने ओशन ड्रिंक लिया है, ठीक है, इसको पहले मैं हाफ डाल दिया, ये मॉन्स्टर ड्रिंक है, इसको मैंने हाफ डाल दिया। उसके साथ मैं यूज करूंगा एक स्कूप मसल ब्लेस का क्रिएटिन, और सेम स्कूप से ले लूंगा मैं एक स्कूप ग्लूटामाइन, ये अनफ्लेवर्ड है, एंड ऑल्सो रैथेक्स एक स्कूप। सो ये हो गया रेडी। मैं यूजुअली अभी मैं जब इंट्रा वर्कआउट लूंगा जब BCAA ऐड करूंगा उसमें मैं एक चम्मच नमक भी डाल दूंगा, इसमें मैं नहीं डालता हूँ, आपको आवाज सुनाई दिया होगा ऑफ कोर्स। ये ब्लैक रीजन वही है, ये क्योंकि कोकोला का फ्लेवर का प्री वर्कआउट है एंड दिस इज अ प्री वर्कआउट। मैं क्या करता हूँ पूरा भर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा पीऊंगा, उसके बाद जो मॉन्स्टर और ओशन है उसको मैं पूरा मिला दूंगा और ट्राई करूंगा मेरा टॉप सेट के पहले मैं थोड़ा थोड़ा सिप करते रहूं, क्योंकि मैं मेरा जब भी हेवी सेशन होता है स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट कभी भी, मैं इस बार से क्या प्लान किया हूं 3-4 वीक से मैं 30-40 मिनट सिर्फ वार्म अप करता हूं, इधर इट विल डेडमिल। मैंने ये चीज रियलाइज किया है जो भी एलाइट लिफ्टर होता है जो अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, आपको अगर गेम में लंबा चलना है तो आपको स्ट्रेचिंग मोबिलिटी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इधर देन जस्ट आप आके एम्प्टी बार में 2 सेट स्क्वाट कर लेते हो वो बहुत खराब चीज है। फटाफट अब टाइम वेस्ट नहीं करते ये कंप्लीट करते हैं, अब आपसे बात मैं नहीं करूंगा, टॉप सेट मारूंगा, डायरेक्ट वीडियो के लास्ट में मिलूंगा, ठीक है, लेट्स गो। जय श्री राम। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.
best, die with no regrets, live with every breath. See my message stop the spread, and I have so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. So guys, वो था 210 kg. अब आप बताना, मेरे अंदर था एक और रैप, ठीक है, और इंजर में आज मेरा पहला सेशन था, तो थोड़ा पेनफुल है अभी भी. मैं जानबूझ के पहना हुआ हूँ, सो दैट वो पेन ज्यादा बेयर मैं कर सकूँ. हल्का सा टाइट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत टाइट है, बट इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि टाइटनेस मुझे फील हो रहा है नीचे में. मैं अभी और कोशिश करूंगा कि, क्योंकि अब मैंने 210 का ये मेरा पीआर था, दो रैप मैंने एक रैप किया है लाइफ में, वो भी मैंने रैप्स में किया था, रॉ कभी नहीं किया हूँ, बट आज मैंने पीआर हिट किया, पीआर पे भी एक रैप एक्स्ट्रा किया हूँ. सो अब धीरे धीरे बिल्डअप करना है. 220 सिंगल नेक्स्ट वीडियो में, मैंने पहले ही बोला 200 केजी का तीन के बाद आपको वीडियो दिखेगा. 210 पे दो, आज रहा 210 पे दो, अब फिर से बोल रहा हूँ कॉट 220 वन रैप इसी जिम में मार के जाऊंगा, अपने जिम में. उसके बाद 220 के जो भी ऊपर का लिफ्ट रहेगा वो आपको देखेगा पुणे में. एंड ये वीडियो यहीं तक था, ज़्यादा बात नहीं करने का प्लान था मेरा. अभी एक बैक ऑफ है, वो लाइट में 180 केजी में, ठीक है, और देखते हैं. ट्रेनिंग अच्छा हुआ आज का, तो आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज लास्ट जब से मेरा स्क्वाट और हैमस्ट्रिंग में पेन था, तब से मुझे लग रहा था कि मैं कब डेड स्क्वाट पे काम करूंगा, स्क्वाट पे काम करूंगा, बट लास्ट चार हफ्ते से मैं हफ्ते में चार बार स्क्वाट कर रहा हूँ, तो वो बेनिफिशियल था. एंड रियली मैं बता रहा हूँ, आज जो मैंने ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट किया, स्क्वाट करने से पहले 40 मिनट आरा मोबिलिटी स्ट्रेचिंग किया और मैं पेन फ्री स्क्वाट किया हूँ. सो थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट. वी आर कमिंग बैक और बहुत ज्यादा अच्छा पैकेज के साथ आने वाला हूँ. लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय बाय. ऑल्सो गाइज, मैं जो अमोनिया यूज कर रहा हूँ वो है डेमीगॉड का. आप अगर आप चाहते हो मेरे जैसे नए नंबर्स और पीआर हिट करने का, डेमीगॉड के वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हो. मेरा कूपन कोड है KUNL, भाई का कोड यूज करना मत भूलना, आपको अच्छा एक डिस्काउंट मिल जाएगा. और इसका जो बाई करने का लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपने देखा इसका कमाल, दो रैप का पीआर, और आप भी चाहते हो कि आप भी रैप पे पीआर करो, तो डू यूज डेमीगॉड अमोनिया, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में.